गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडेज आवर चैप्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि फ्रेंड क्या होते हैं, मित्र, और फो दुश्मन होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जो हम बगैर माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। एक बेटर क्वालिटी का माइक्रोस्कोप से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, यानी कि नेकड आई यानी कि नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते इनको। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बेनिफिट भी हैं और हमारे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। वो हमारे को फ़ायदे पहुंचाने के साथ साथ उनके नुकसान भी हैं, यानी कि फ्रेंड इसलिए बोला है कि हमारे को कुछ फ़ायदे हैं, और वो दुश्मन यानी कि उनसे हमारे को कुछ नुकसान भी हो रही हैं। दोनों चीज़ें हमारे को पढ़नी है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स यानी कि आपने अनेक प्रकार के पौधे और पशु देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, यानी कि वो जीवित चीज़ें जिनको हम वी नॉर्मली कैन नॉट सी, यानी कि हम एक सामान्य रूप से उनको नहीं देख सकते, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनको देखने के लिए हमारे को किस क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व, यानी कि आपने ये तो चीज़ देखी होंगी, जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, तो जो ब्रेड वगैरह है, अगर उसको आप 2 डे के लिए रख दोगे ओपन में, तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, ग्रेइश वाइट पैचेज आ जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि ग्रेसी हो जाती हैं, वाइट वाइट। उन दोनों ब्रेड को जब अलग करोगे तो उसमें वाइटनेस से आपको दिखाई देंगे कुछ चीज़ें चलती हुई। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। यानी कि इन आप पैचेज को क्या देखोगे, एक मैग्नीफाइड ग्लास, तो आपको क्या दिखाई देंगे, ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, यानी कि ये इन्वायरमेंट से आती चीज़ें, और ये जो पैचेज कह रहे हैं ना, ये ग्रेइश पैचेज, वाइट पैचेज, यही क्या होती हैं, फंगस होती हैं, जिसको फफूंदी बोलते हैं, जो आजकल आपको डिजीज बताई जाती है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, यही वो फंगस हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रजेंट होते हैं। जब इनके क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, इनके अनुकूल जलवायु होती हैं, तो ये किसी भी चीज़ को फंगस लग सकता है आपके, ठीक है ना। तो ब्रेड, रोटियां वगैरह आपकी क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं जब रेनी सीजन होता है, तो वो पैचेज वगैरह आपको दिखाई देते हैं, कुछ रेंगती हुई चीज़ें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, फफूंदी होती है वो। फिर पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव 2.1, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के बारे में। कोलेक्ट सम मॉइस्ट्री, ये एक्टिविटी आपकी, कोलेक्ट सम मॉइस्ट्री सोइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर एंड एड वाटर टू इट। यानी कि कुछ आप जो इसके अंदर क्या हो, बिल्कुल सूखी मिट्टी नहीं लेनी, यानी कि मॉइस्ट सोइल यानी कि नमी से भरी हुई मिट्टी को लेंगे, ठीक है, उसको एक बिकर में डालेंगे, कुछ पानी ऐड करेंगे। आफ्टर द सोयल पार्टिकल हैव सेटल्ड डाउन, यानी कि जो मिट्टी के कण है वो धीरे धीरे बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिकर अंडर ए माइक्रोस्कोप व्हाट यू सी, यानी कि उसके अंदर से फिर एक ड्रॉप यानी कि मिट्टी की लेके, ठीक है ना, वन ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिकर, बिकर में से हमारे को क्या लेना है, पानी की एक बूंद लेके उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो हमारे को काफ़ी यानी कि सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। इनका कहने का मतलब यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को प्रेजेंट आपके एनवायरनमेंट में सब जगह होते हैं, मिट्टी के अंदर भी होते हैं और एयर के अंदर भी होते हैं। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, सेपरेट ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। यानी कि कुछ बूंदे आप पानी की कहाँ से लो, किसी तालाब वगैरह से लो, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर सेपरेट फैला दो और आप क्या देखोगे माइक्रोस्कोप में, यानी कि मिट्टी हो या पानी हो, कहीं से भी कोई चीज़ उठा रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस वो हमारे लिए ये देखना होता है कि वो बेनिफिट देने वाले हैं या हार्मफुल है हमारे लिए। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, ठीक है ना, तो आप क्या देखते हो, टीनी ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव यानी कि चलते घूमते फिरते हुए दिखाई देंगे आपके हर जगह एनवायरमेंट में।
दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म थॉप नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, पानी हो आपका मिट्टी हो वो सभी के सभी किससे भरे हुए हैं, छोटे छोटे जीवों से भरे हुए हैं, ठीक है। उनको हम कैटेगरी में डालते करते हैं किसका, माइक्रोनिज्म। दीज माइक्रोनिज्म और माइक्रोब आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडिड आई। अनएडिड आई हो या नेक्ड आई, यानी कि हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बगैर माइक्रोस्कोप के हम माइक्रोनिज्म को नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, यानी कि जो फंगस होती है आपकी ब्रेड के ऊपर, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोनिज्म और माइक्रोब्स। यानी कि इनको हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप्स की सहायता से, और इसलिए इन माइक्रोनिज्म या माइक्रोब्स। माइक्रोनिज्म सूक्ष्म जीव आर क्लासिफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप, चार मुख्य भागों में बांटा गया इनको। दीज ग्रुप आर बैक्टीरिया फंगई प्रोटोजोवा एंड सम एल्गे। यानी कि वैसे फाइव किंगडम होते हैं माइक्रोनिज्म, पांच प्रकार के होते हैं आपके मेनली, लेकिन इसने फोर को अलग और वन को अलग लिख रखा है। क्यों फोर और वन में डिफरेंस, बैक्टीरिया फंगई यानी कि आपका बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु, फंगई, कवक, प्रोटोजोवा, एल्गे, शैवाल होते हैं आपके, चार ये ग्रुप हैं, और एक पांचवा आपका कौन सा है, वायरस है। क्या है, वायरस। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस एज शोन इन द फिगर, ये कह रहे हैं जो वायरस होता है आपका, ठीक है ना, विषाणु बोलते हैं जिसको, ये बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोवा और एल्गे तो चार हो गए, मेन पांचवा और है वायरस, फाइव होते हैं ये मेन, जितने भी माइक्रोनिज्म हैं उनको पांच भागों में बांटा गया, फिर फर्दर इनकी और आपके क्या आती हैं, कैटेगरीज आती हैं। तो वायरस को हम क्या कहते हैं, आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। यानी कि कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी पौधे हो सकते हैं, उसकी सेल के अंदर जाकर वायरस क्या हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। यानी कि वायरस को हम ना निर्जीव कह सकते ना सजीव कह सकते, वायरस बाहर है तो उसकी डेथ हो रखी है, जैसे ही उसको बॉडी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा और उसके अंदर रिप्रोड्यूस भी करेगा। रिप्रोड्यूस यानी कि वो जनन करेगा, अपने जैसे हज़ारों वायरस बॉडी के अंदर तैयार कर देगा। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड ओल्ड इन्फ्लुएंजा, यानी कि फ्लू बोल देते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से होने वाली डिजीज़ के नाम ही आपको पता रहने चाहिए, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू बोल सकते हैं, कफ, और एक नया आप ऐड कर सकते हो कोरोना। यानी कि कोरोना जो डिजीज़ होती है वो भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती हैं। खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा वगैरह भी किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से। लेकिन इन दोनों के वायरस क्या होते हैं, कोरोना का इनके सभी के वायरस के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, जो आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करोगे। तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से होने वाली आपको डिजीज़ के नाम पता होने चाहिए, वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ, जो खांसी, जुकाम जितने भी हैं, ये सभी किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से। कोरोना का भी नाम ले सकते हो आप, और के फिर आपके क्या आ जाएंगे, चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी डिजीज़ भी। यहाँ तक आप रीड कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।